इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अनिल विज ने तो पूरा एकदम वो दे दिया, बिल्कुल एकदम नारेबाजी के अंदाज में, लेकिन शायद ये जोश है, जोश आ गया सबका, इस बढ़ गया जोश, आप कुछ नहीं कह सकते। और खास करके जब हम नीरज चोपड़ा के पिताजी की बातों को सुन रहे थे, राजगुरु हम सब बहुत लंबे अरसे से पब्लिक स्पीकिंग में रहे और हमें आदत है कि हम कैमरे के सामने या कहीं भी खड़े हो जाएं और बस अकस्मात खड़े होकर अगले 10 15 20 मिनट एक घंटे दो चार घंटे बकाबक कर सकते हैं। लेकिन जब इमोशन से भरा हुआ आदमी होता है और जो नीरज चोपड़ा के पिताजी की शब्द निकल नहीं पा रहे थे, उनका गला रूंध रहा था, समझ नहीं पा रहे थे क्या कहूं क्या ना कहूं, शायद दिमाग में इतने इमोशंस उस समय होंगे कि वो खुद ही नहीं तय कर पा रहे होंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। सुन हो जाता है उस समय, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नीरज चोपड़ा के जो पिताजी हैं, माताजी हैं, उनके उनके घर के सामने जिस तरीके का हुजूम लगा हुआ था, पूरा खांद्रा गांव वहां पर आया हुआ था, वो तो लाजवाब था ही। अगर आप देखें, मैं इन पेरेंट्स को ये देख रहा हूं कि जिस तरीके से हौसला बढ़ाते हैं, बजरंग पुनिया जब कल सेमीफाइनल हार गए तो उसके बाद उनके माता पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, और आज सुबह जब बात हुई तो भी कहा कि कोई बात नहीं, बेहतरीन खेल के आना, नाम अपना रोशन करके आना। तो ये जो सपोर्ट किया है वो कमाल का वो है, इनका जज्बा है माता पिता का भी, बिल्कुल। और नीरज चोपड़ा को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी है। जब खेल मंत्री बधाई दे रहे थे तब उनकी इंडिया टीवी के चेयरमैन रवि शर्मा जी के साथ एक मीटिंग चल रही थी। जैसे ही नीरज के गोल्ड जीतने की खबर आई, मीटिंग में सबने तालियां बजाई और इसी मीटिंग के बीच में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को गोल्ड जीतने की बधाई भी दी। ये लम्हा इसलिए भी अहम है और ऐतिहासिक था क्योंकि पहली बार ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में भारत ने गोल्ड जीता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अनुराग ठाकुर के साथ इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रवि शर्मा जी भी मौजूद थे और उन्होंने, सब लोगों ने मिलकर तालियां बजाई और उसके साथ साथ अनुराग ठाकुर ने बधाई भी दी नीरज चोपड़ा को। वो बधाई संदेश हमने अभी आपके सामने प्रदर्शित भी किया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रवि जी एडिटर इन चीफ इंडिया टीवी और अनुराग ठाकुर लगातार बधाई दे रहे थे। इस मीटिंग के दौरान जब ये स्वर्णिम क्षण आया तो हर किसी ने हौसला बढ़ाया नीरज चोपड़ा का, इस खुशी में हर कोई शरीक। बिल्कुल अजय जी, आपने भी और मैंने भी अपने एक लंबे करियर में काफ़ी एडिटर इन चीफ हमारे रहे हैं, लेकिन रजत जी के साथ जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है खेल के प्रति, जो उनका एंथुजियाज्म है, जो फैन है, मैं जब वो आते हैं तो मैं तैयारी रखता हूँ पहले से पढ़ के कि वो क्या पूछने वाले हैं, इतना उनका जोश है। और लगातार ओलंपिक में भी मैंने देखा है कि लगातार बात करते रहे और ये अब आप देखना ये जश्न मनेगा यहाँ पर। अब जब वो ऑफिस आएंगे, इंडिया टीवी पहुंचेंगे, तो वो निश्चित तौर पर हमसे ये बोलेंगे कि जल्दी से जो है नीरज चोपड़ा के साथ बात की जाए और उन्हें हमारे चैनल में लेके आया जाए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, रवि जी की बहुत रुचि और दिलचस्पी रहती है खेल में और हर तरह के खेल में। आप क्रिकेट के लिए तो उनसे जब बात करने बैठे तो इंसाइक्लोपीडिया है क्रिकेट के, वो बाकी तमाम फुटबॉल हॉकी के भी जैसा, तो ये एक जबरदस्त दिलचस्पी और रुचि की बात है जो कि रवि जी की बहुत बड़ी खासियत है। सबसे अच्छी बात है हमेशा अपडेटेड रहते हैं, हम दरअसल उनसे बहुत कुछ सीख पाते हैं इस मामले में, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन अभी आप खिलाड़ियों को सपोर्ट भी किया जी जी, और ये लम्हा जो भारत के लिए बहुत ही स्वर्णिम है क्योंकि आज मेडल तालिका में भी हिंदुस्तान अपने आज तक के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस पर है। यस, और आज हम 7 मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक में, जो आज तक के हमारे इतिहास का सबसे अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस। तो चलिए जश्न मनाते हैं यहाँ पर, और सारे जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आंकड़े हम आपको बता ही रहे हैं और जो जोश का माहौल है पूरे देश में, हर कोई यही कह रहा था बहुत बड़ी बात होती है कि नीरज चोपड़ा ने जब टोक्यो में कदम रखा उससे पहले से हम कह रहे थे कि मेडल इनका आना ही है, लेकिन गोल्ड मेडल शायद नहीं आएगा, ये हर किसी ने कहा था, क्योंकि सिल्वर और ब्रॉन्ज, क्योंकि यहां पर सब पता चल जाता है कि कौन कितने मीटर भाला फेंक रहा है, जैवलिन कितना फेंक रहा है, आप एक एक सेंटीमीटर देख सकते हैं, तो करीब करीब 2-3 मीटर का फर्क था जो जिनको इन्होंने हराया, जो बेटर जो हारे 90 एक है 91 मीटर, तो इनसे 3-3, 4-4 मीटर जो थे वो आगे थे, तो इनको हराना, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इस भाई राजू ने एक बार फिर दर्शकों को दिखाते हैं, हाँ, क्योंकि माता पिता, बिल्कुल उनके माता पिता क्या कह रहे हैं, भाई आज तो वाकई में उन्हीं का दिन है, एक बेटे ने अपने माँ बाप का सर इतना ऊंचा किया, बहुत बहुत उन्हें हमारी तरफ से बधाई। हमारे साथ है भारत के लिए गर्व का मौका, एक पिता के तौर पर किस तरीके से जी, बहुत खुशी है मुझे अपने बेटे पर, जो हमारा सपना था और देश का सपना था उसने वो पूरा कर दिखाया। सुबह से ही जब हम आपसे बात कर रहे थे आप कह रहे थे कि नीरज से बात की है, वो काफी उत्साहित भी दिख रहा था,
अब जब गोल्ड पक्का हो गया, एक इतिहास रची है जी, हम जो देश की दुआएं उसके साथ थी उसका पूरा जोर लगा और परमात्मा ने आज उसको दिन बढ़िया दिया था, जो बेहतर कर पाया, तो हम पूरे देश को मतलब पूरे देश का आशीर्वाद पाना चाहेंगे, जो मतलब पूरा देश उसकी उम्मीदों पे बैठा था और उसने अपने काम पे पूरा सहयोग दिया। परिवार में किस तरीके का माहौल है, हम देख रहे थे आप पूरा मैच बड़े ध्यान से देख रहे थे, फोन भी आपके बज रहे हैं, परिवार में किस तरीके का माहौल? पूरा परिवार बिल्कुल खुश है जी, खुशी की मतलब कोई ठिकाना नहीं है, कितनी खुशी आप लफ्जों में नहीं बता सकते हम लोग। नीरज के बारे में बताइए, कितना मेहनती था वो, किस तरीके से, जैसा कि आपने सुबह बताया था कि आपके परिवार में स्पोर्ट्स से कोई नहीं है, नीरज को ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि स्पोर्ट्स में जाना है, भारत का नाम रोशन करना है? जी उसको जैसे अपना ये स्टेडियम था पानीपत में, शिवाजी स्टेडियम, वहाँ पे उसका दोस्त था जयवीर, जिसने उसको गाइडलाइन दी और वो उस गाइडलाइन पे इतना पक्का उतरा कि अपनी परफॉर्मेंस में कमी नहीं होने दी, वो निरंतर उस पर लगातार कोशिश करता रहा और आज इस बुलंदी तक पहुंचा है कि देश को गोल्ड मेडल दिलवाया। हम देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर मिलकर जश्न मना रहे हैं, आप भी तिरंगा लेकर जश्न मना रहे हैं, गर्व का मौका है पूरे परिवार के लिए। जी हमें पूरा गर्व है कि हमारे बेटे ने जो देश की उम्मीदें दी। बिल्कुल, और गर्व सिर्फ उनके पिताजी को नहीं हमको भी है, और हर कोई ये कहता है ना जब पिताजी को कि ये नीरज चोपड़ा के माता पिता है, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है पेरेंट के लिए, जब अपने बच्चे के नाम से आप पहचाने जाए, और अब ये पूरी दुनिया में पहचाने जाएंगे, जब ये आएंगे बोलेंगे नीरज चोपड़ा के पेरेंट्स है, तो एक अलग कुर्सी उनके लिए रखी जाएगी, तो ये अपने पेरेंट्स के लिए सबसे गर्व की बात होती है, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उनके पिता ने कभी ऐसा सोचा होगा कि सपने में ऐसे क्षण उन्हें देखने को मिलेंगे। देखिए अपने बेटे के उससे किस तरीके से यहाँ पर जो है उनको बधाइयां मिल रही है, और मुझे तो एक बार फिर नीरज के पास जाने का दिल कर रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि मिठाइयाँ कौन सी बट रही है, मिठाइयाँ जो है कौन सी बट रही है वहाँ पर, लेकिन नीरज से जरा संपर्क टूट जा रहा है। आपने बहुत तकलीफें सही है उसको यहाँ तक पढ़ाने के लिए, अब फिर पलट जाएंगे क्या? छोड़ दे, अब फिर पलट जाएंगे क्या? फिर बदल जाएंगे आप? भगवान हमारे ऊपर, हमारे बेटे के ऊपर मेहरबान है, तो देश को मेडल दिलाने में सफल रहा। धीरे से सब काम किया, ऊपर कितना नाच है आज, बहुत नाच है, हम सब जा नहीं कर सकते, हमें कितनी खुशी हो रही है। पूरे गांव में, पूरे प्रदेश में कैसा माहौल है कि मेरे पूरे गांव में खुशी का माहौल है, आप मीडिया के माध्यम से आप लोग टीवी पर देख रहे हो, बहुत अच्छा माहौल है। आपने अपेक्षा की थी कि मेडल जरूर लाएगा, जरूर हमें जरूर की अपेक्षा की, लेकिन टाइम पर निर्भर करता है, कितना टाइम अच्छा हुआ चलता है उसके अनुसार होता है। बाकी बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने बच्चों को संदेश देना चाहूँगा, जिस तरह से नीरज को ले लगे थे, पेट बहुत बड़ा था और उसको आम के इंटरनेशनली कैसे महसूस कर रहे हैं? अरे यार कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत खुशी हो रही है, थोड़ी सी मैं फिर पॉइंट पर जाने बहुत खुशी हो रही है, हमें नाज है कि हमारा बेटा एथलेटिक में गोल्ड मेडल लेके देश का सूखा पूरा कर पाया, और बहुत संघर्ष किया है, आप बता रहे थे 16 किलोमीटर दूर जी करके थे, ग्राउंड नहीं है, छोटा सा गांव है जी, हमारे यहाँ सुविधाओं का अब मतलब कमी है, कोई स्टेडियम या मतलब कोई सुविधा नहीं है, तो इसीलिए उसको 15-16 किलोमीटर दूर जाना ये बड़ा संघर्ष का काम था। जब ओलंपिक जा रहा था नीरज, तब आपको उम्मीद थी कि कोई गोल्ड जरूर आ रहे, कोई मेडल आने वाला?
वाला है जी। हमें तो वैसे तो उम्मीद रियो में भी थी, लेकिन रियो में वाइल्ड कार्ड नहीं मिलने के कारण वो नहीं कर पाया, तो अब की बार हमें पूरी उम्मीद थी उसकी तैयारियों को देख के, जिसे वो पूरा कर पाया। पूरा देश आपको बधाई दे रहा है, प्रधानमंत्री, तमाम जितने भी बड़े लोग हैं सबने नीरज को आपको बधाई दी है जी। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सभी का आशीर्वाद चाहूंगा, जो उन्होंने हमारे बेटे पर जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचाया एथलेटिक में, मैं पूरे देश को नमन करना चाहूंगा। आप बता दें ये हमारी हरा उतरा तो हमारे आप अपने इंटरव्यू। मैं संजय गालियान, फॉर्मर इंडिया के लिए जेवलिन थ्रोअर, फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट। तो नीरज की लाइव सेरेमनी चल चुकी है हमारे आगे, और जो नीरज का जो जर्नी है, नीरज ने जो ये मेडल है समर्पित मिल्खा सिंह को करा है, क्योंकि मिल्खा सिंह जी हमारे लीजेंड थे ट्रैक एंड फील्ड के। ट्रैक एंड फील्ड में जो मिल्खा सिंह ने इतिहास रचाया था वो ऐस लड़के ने रचा, क्योंकि मिल्खा सिंह को आज इस टाइम हमारे साथ नहीं है, जीवित नहीं है, बट उनको ऊपर जो उन्होंने नीरज ने आज गोल्ड मेडल देकर उनको श्रद्धांजलि दी है, वो बहुत ही अच्छी बात है। और जो एक सपना होता है एक हर खिलाड़ी का ओलंपिक के अंदर जाना और ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतना, वो आज इस लड़के ने नीरज ने पूरा कर दिखाया। आप खेल की बारीकियों को जानते हैं जी, जिस तरीके की चुनौतियां थी और नीरज जिस तरीके से पहले ही जो स्कोर था उनका जी, उसमें लगभग सुनिश्चित कर लिया था अपनी पोजीशन को, कैसे आप देखते थोड़ा सा इसके बारे में? जो नीरज का फाइट थी वो जॉन मीटर से थी, जॉन मीटर जो कि जर्मनी से आते हैं, और जो चेक रिपब्लिक दो एथलीटों से थी, वो एथलीट वो कम्पिटिट नहीं कर पाए, उनके आसपास भी नहीं रहे, क्योंकि नीरज ने पहली थ्रो 87.03 लगाकर और दबाव महसूस करवा दिया अदर खिलाड़ियों पर, क्योंकि जो बेस्ट 12 होते हैं फाइनल में जाते हैं, जो बेस्ट 3 थ्रो होती है उनके बाद बेस्ट 4 जो बाहर हो जो लास्ट वाले होते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं, जो बेस्ट 8 बचते हैं उनको 3 थ्रो का मौका मिलता है, और वो इस देश को जो इन्होंने जो पोस्टर के साथ नीरज ने थ्रो लगाई वो बहुत ही शानदार थ्रो थी, और सेकंड थ्रो उनकी 87.43 मीटर लगाकर बहुत ही शानदार थ्रो लगाई, और जो आज इस देश का झंडा आपके सामने हमारे सामने आज ऊपर जाएगा ये बहुत ही बड़ी बात है और गौरवान्वित करने की बात है। चीयर फॉर इंडिया एंड गोल्ड मेडल फॉर इंडिया जी। सेकंड थ्रो में नहीं होता था, एक पारंपरिक कुछ खेल थे जिनमें भारत गोल्ड जी या मेडल लाते थे जी, सेकंड थ्रो में एक रवायत शुरू की है, आपको लगता है अब एक फ्यूचर इसको लेकर के बनेगा, एक नजीर पेश की है? नीरज को लोग आइडियल मानेंगे और इसको फॉलो करेंगे, और जो फॉलो करेंगे जैसे आप क्रिकेट को मीडिया दिखाता है, आज नीरज को पूरा दुनिया देख रहा है, तो इससे अवश्य जो आने वाली युवा पीढ़ी फोन छोड़कर हमारे ट्रैक एंड फील्ड में आएंगे और देश के लिए मेडल जीतेंगे, ज्यादा गोल्ड मेडल ओलंपिक के अंदर ज्यादा जीतेंगे। थैंक यू। गोल्ड मेडल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से आज पूरे गांव में और नीरज चोपड़ा के पूरे परिवार, उनके तमाम ट्रेनर्स, हर किसी में खुशी की जबरदस्त लहर है और पूरे देश में भी है, क्योंकि जो अपने आप में आज हुआ है वो अप्रत्याशित है। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, और कहीं ना कहीं बात अगर करें नीरज चोपड़ा की ये कहानी, हिंदुस्तान की ये टोक्यो ओलंपिक 2020 की कहानी भी कोई फिल्म से कम नहीं है, और फिलहाल आपको बता दें उनको गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा है और फिलहाल हिंदुस्तान का और राष्ट्रगान बजेगा और हमारा झंडा ऊपर जाएगा टोक्यो नेशनल स्टेडियम में, और हम लगातार हम इंतजार कर रहे थे और फिलहाल राष्ट्रगान चल रहा है, और राष्ट्रगान में इस समय ये लम्हा जो होता है ना ये सबसे ज्यादा ये तो भावुक भी कर देता है, और एक ऐसा लम्हा होता है जो जी जहां पर आंखों से आंसू ना अपने आप टप टप करके गिरने लगते हैं। बिल्कुल, ये दरअसल उपलब्धि है जब आप अपने देश के झंडे को ऊंचा लहराता हुआ देखते हैं, देश का राष्ट्रगान आपके सामने बज रहा होता है, पूरे ओलंपिक स्टेडियम में राष्ट्रगान की ध्वनि जब गूंजती है तो आपको इस बात का एहसास होता है कि आपने अपने राष्ट्र के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है और किस तरह से आपने अपने देश का नाम ऊंचा किया है। बिल्कुल, पूरे इंडियन कंटिंजेंट में जबरदस्त खुशी है, लोग वहां पर हर तरह के जयकारे और नारे लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज पूरा देश झूम रहा है, क्योंकि हर किसी को इस बात का अंदाजा है कि आज नीरज चोपड़ा ने पूरे देश के लिए क्या किया है। ये गोल्ड मेडल सिर्फ नीरज चोपड़ा का नहीं है, ये गोल्ड मेडल पूरे हिंदुस्तान का है, 140 भारतीय नागरिकों का है।
जी हाँ, माफ किया 140 करोड़। जी हाँ, 140 करोड़ बिल्कुल। और अगर बात करें, जो मैं मेडल्स की बात कर रहा हूं, मैंने अपने करियर में 9 मेडल्स देखे ओलंपिक्स में पोडियम के सामने खड़े होकर। हर बार जब भारतीय तिरंगा ऊपर जाता है तो आंखों से आंसू टपकने लगता है और छाती ऐसा लगता है कि फट जाए, इतनी चौड़ी हो जाती है। अभिनव बिंद्रा जब गोल्ड लिया और जब राष्ट्रीय गान बजा तो अपने आप में पहली बार ऐसा एहसास हुआ। राज्यवर्धन ने जब मेडल लिया, हिंदुस्तान को ऊपर गया, मैं सोचता था कि मेरे आंखों से क्यों आंसू निकल रहा है और छाती जो इतनी चौड़ी हो जाती है मैं बता नहीं सकता। इस लम्हे में अगर आप कभी स्टेडियम जा पाए तो जाइएगा जरूर, क्योंकि टीवी में देख के आप इसका एहसास, इसको एहसास कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन अजय जी, ये जो कहानी है गोल्ड मेडल की, जो इतिहास रचा है, 70 साल में आजाद भारत का पहला एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड का गोल्ड मेडल आया है, मेडल तक नहीं आया था, गोल्ड तो दूर की बात है, और आया तो सीधा गोल्ड मेडल आया, तो ये तो अपने आप में कमाल की बात है। लेकिन टोक्यो 2020 ओलंपिक्स हम जो कहते हैं, ये वाकई में कोई फिल्म से कम नहीं है, इसकी कहानी बड़ी फिल्मी है। आखिरी दिन, आखिरी इवेंट, और आपका गोल्ड मेडल आया। हर कोई कह रहे थे कि गोल्ड आना चाहिए, इनसे उम्मीद है, इस एथलीट से उम्मीद है, लेकिन हर जगह निराशा हो रही थी। लेकिन नीरज चोपड़ा का नाम जो है उसमें निराशा नहीं है, उसमें नीरज है। और नीरज चोपड़ा ने हर किसी को यहां पर गोल्ड मेडल लाकर ना सिर्फ खुशियां दी है बल्कि सपनों को भी पूरा कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारत ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि आप हमें भले ही अंडरडॉग समझें, लेकिन जब हम अपने पे आते हैं ना, फिर वो कर जाते हैं जो हम ठान कर आते हैं। आज किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में हिंदुस्तान को गोल्ड मिल सकता है, लेकिन आज वो सपना साकार हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज हम अपने खेलों के आप बीते 75 साल के प्रदर्शन को देखें, आज़ाद हिंदुस्तान के प्रदर्शन को देखें, तो दरअसल टोक्यो ओलंपिक्स एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर इतिहास में दर्ज होगा। और वो इसलिए क्योंकि इस ओलंपिक खेल में कई बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमारी कल्पना के बाहर थी, जिसके बारे में हम चर्चा भी करना बहुत ज़्यादा नहीं समझते थे मुनासिब, क्योंकि हमें लगता था कि नहीं, हम कर ही नहीं सकते। हमारे देश में इस बात को लेकर एक बड़ी प्रचलन थी कि अगर ब्रॉन्ज मिल गया ना, बहुत बड़ी बात है, सिल्वर के लिए कोशिश भी मत करो, ब्रॉन्ज है ना अपने पास, पकड़ लो उसको। ये जो संतुष्ट होने की एक जो हमारे अंदर प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति को 2021 के इस ओलंपिक ने, जिसको दरअसल 2020 का ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक कहना चाहिए, उसने हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा से बातचीत की थी और उनका हौसला भी बढ़ाया था। नीरज चोपड़ा ने आज गोल्ड जीतकर देश की उम्मीदों पर सोने की तरह खरा उतरे हैं, ये उन्होंने कहा। नमस्ते सर। नीरज जी, आप तो भारतीय सेना में हैं और सेना के ऐसे कोने से अनुभव है, जो अनुभव, वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसने आपको खेल में इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की? सर देखो, मेरा शुरू से ही एक था कि मुझे भारतीय सेना बहुत पसंद थी और मैं 5-6 साल खेला, उसके बाद मुझे भारतीय सेना ने ज्वाइन करने के लिए बोला तो मुझे काफी खुशी हुई, फिर मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया और उसके बाद से मैं अपना गेम में फोकस कर रहा हूँ और भारतीय सेना मुझे जितनी फैसिलिटी और जो मुझे चाहिए और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं अपना पूरा मन लगा के मेहनत कर रहा हूँ। नीरज जी, मैं आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी देख रहा हूँ, आपके परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूँ। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है, आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को, ये सब कैसे संभाले रखा? मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट्स का पार्ट है, तो जो मैंने 2019 में काफी मेहनत की थी उस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप, आपको तो आपको स्पोर्ट्स की इंजरी में भी स्पोर्ट्स पर फिट दिखता है सर, क्योंकि हमारा यही सफर है, कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है, तो मेरा एक साल इसकी वजह से खराब हो गया था क्योंकि मैंने तैयारी काफी की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इंजरी की वजह से वो उसमें दिक्कत होगी। फिर मैंने अपना पूरा फोकस ओलंपिक पे किया और अब दोबारा से कमबैक किया, अच्छे से मैंने फर्स्ट कॉम्पिटिशन खेला, उसमें ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था, उसके बाद फिर कोरोना की वजह से ओलंपिक पोस्टपोन हो गया, तो फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी सर और फिर उसके बाद जो दोबारा से कॉम्पिटिशन खेल ले और फिर अपनी बेस्ट करके नेशनल रिकॉर्ड किया और अभी भी सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि
जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करके आए ओलंपिक में। नीरज जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं, आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है, आप अपना शत प्रतिशत दीजिए, बस यही मिजाज, बिना किसी दबाव के पूरा प्रयास कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माता पिता को भी प्रणाम है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, देखिए आज अभी प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत 5 जुलाई की हमने आपको दिखाई, उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, बिना किसी दबाव के अपना शत प्रतिशत दीजिए। यह वो मूल मंत्र जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था 5 जुलाई को, शायद यही मूल मंत्र बहुत बहुत बेहतर तरीके से आज नीरज चोपड़ा के दिमाग पर काम कर रहा था। माफ कीजिए, 13 जुलाई का ये बातचीत है, ओलंपिक गेम्स में जाने से ठीक पहले की ये बातचीत है, और ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मूल मंत्र दिया था उसको किस तरीके से आज चरितार्थ किया है। नीरज चोपड़ा ने बताया है कि अगर आप बिना दबाव के आप अपना शत प्रतिशत आगे रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। दबाव में आकर हम बहुत बार अपने अच्छे से अच्छे प्रदर्शन को भी कमजोर कर देते हैं, और यह बहुत बड़ी बात है जो आज प्रधानमंत्री जी की बात हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं। यह हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब दबाव में आते हैं तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कभी नहीं दे सकते। दबाव और चिंता आपके हर परफॉर्मेंस को हर तरीके से काटती है, छांटती है और उसे छोटा कर देती है, और यही सबसे बड़ी बात है। यह बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जुलाई को नीरज चोपड़ा से कही थी। और आइए अब एक बार फिर चलते हैं जतिन के पास। जतिन, ताजा क्या हो रहा है भाई वहां पर? जो देखिए अजय जी, नीरज के घर के ठीक सामने, हालांकि परिवार के लोग अभी घर के अंदर गए हैं, क्योंकि हमारे देश में स्पोर्ट्स और धर्म दोनों को पैरेलल रखा जाता है। उनके पिता से जो हमने बात की तो उनका कहना है कि अब जीत तो मिल गई है लेकिन भगवान के आगे सर झुकाना भी जरूरी है। तो परिवार अंदर गए, लेकिन गाँव के लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपके गाँव के लड़के ने इतिहास रच दिया, गोल्ड जीता है, कैसा लग रहा आप लोग? बहुत बढ़िया लग रहा। दिवाली 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 का दिन सोचो, हमने देखा हर वर्ग के लोग यहाँ पे जश्न मना रहे थे। नीरज आपके घर के सामने ही रहता है, कैसा लड़का था? क्या वो बहुत डेडिकेटेड लगन के साथ प्रैक्टिस करता था? जब जीत गया, लगन के साथ काम करते हुए आप लोग कुछ कैसा था नीरज, जब प्रैक्टिस करने जाता था उसका व्यवहार किस तरीके का था? बहुत बढ़िया व्यवहार, बहुत बढ़िया, बहुत शांत स्वभाव का, बहुत बढ़िया व्यवहार था। इतिहास रचा है आज आपके गांव के लड़के ने, हमने देखा हर वर्ग के लोग जश्न मना रहे थे, कैसा लग रहा आप लोग? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत बढ़िया। जतिन थी कि इस बारी गोल्ड लेकर आएगा नीरज? हाँ जी, उम्मीद थी जी। जतिन जी 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 जी, जी, जी। पिछले समीप बोल रहा हूँ, पिछले 4-5 घंटे से आप लगातार नीरज चोपड़ा के घर में हैं, गांव में हैं। अपना एक्सपीरियंस, अपना जो अनुभव हुआ है पिछले 4-5 घंटे का, ये ओलंपिक मेडल देखने का, गोल्ड मेडल देखने का, इतिहास का हिस्सा बनने का, है ना, हमारे पास आज हम बोलते ही चले जा रहे हैं, हम रुक ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतने शब्द हमारे पास हैं, इतनी तारीफ हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा मौका मिला है जो आज से 70 साल आजाद भारत में किसी को नहीं मिला था, वो मौका हमको मिला है, जतिन आपको मिला है। ये जो आपका एक्सपीरियंस था, कौन सी मिठाई खाई आपने वहां पर, वो बादाम वाला दूध पिया कि नहीं पिया हरियाणा का, आप जरा बताएं अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल समीप, पिछले 5 घंटे से हम लोग यहाँ पर हैं और लगातार परिवार से बात कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए उनसे हम बात कर रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इस गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं, लोग उधर से सीधा नीरज के घर पहुंचे और यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई और पूरा जो गेम है उसको यहाँ पर देखा गया। टेंट आप देखेंगे बकायदा यहाँ पर लगाया गया था, चाहे हरियाणा का जो ट्रेडिशनल रंग है वो हमने यहाँ पर देखा। जैसे ही फिफ्थ थ्रो शुरू हुआ उससे पहले ही मिठाई बंटना यहाँ पर शुरू हो गई थी। आपने बादाम के दूध का जिक्र किया लेकिन गर्मी बहुत है तो यहाँ पर छाछ लोगों को पिलाई गई। एक हरियाणा जो अपने अतिथि देवों के लिए जाना जाता है कि आप यहाँ पर आएंगे तो खाली पेट नहीं जाते हैं, तो हर वर्ग के लोग हमें यहाँ पर मिले, चाहे वो बुजुर्ग हो, छोटा सा बच्चा हो। हमने देखा स्क्रीन जो यहाँ पर लगाई गई थी उस स्क्रीन के पास तिरंगा झंडा लहराता हुआ बच्चा नजर आया, महिलाएं अपने घरों की छत पर आ गई, जो नीचे युवा डांस कर रहे थे, क्योंकि एथलेटिक्स में पहला ऐसा गोल्ड मेडल जिसने इतिहास रखा है नीरज उसका नाम है, उस लड़के का नाम है, उसका स्वागत करने के लिए लोग अब यहाँ पर भूमिका बनाते नजर आ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जब वो एयरपोर्ट पहुंचेगा तो एयरपोर्ट से पानीपत तक एक पूरा रोड शो निकाला जाएगा जिसमें सभी युवा जुड़ेंगे। एक तरीके से उन युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा वाली बात है, जो एक तरीके से कहे कि हम भाला फेंकने का जो ये पूरा खेल है उसके लोग ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन नीरज उन लोगों के लिए प्रेरणा बिल्कुल बनकर सामने आएगा। क्योंकि कई युवाओं से हमने बात की, वो अक्सर देखा जरूर करते थे कि ये एक स्पोर्ट है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन नीरज का ये गोल्ड मेडल उन लोगों को इस खेल से जुड़ने में बहुत मदद करेगा,
खास तौर पर इस गांव की अगर हम बात करें, इस गांव का जो अगर हम बात करते हैं पानीपत, तकरीबन 19 किलोमीटर का फर्क है। तो आप इस बात से समझिए कि नीरज अगर प्रैक्टिस करने जाता था तो वो 19 किलोमीटर दूर स्टेडियम में जाता था और उसके बाद वहां पर प्रैक्टिस किया करता था। उनके पिता से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने पूरा संघर्ष बताया कि किस तरीके से नीरज स्टेडियम गया। वो पहले काफी हैवी था, उनके पिता ने बताया नीरज का वेट बहुत ज्यादा था, लेकिन जब उसका लगन एथलेटिक्स के अंदर जुड़ा उसने अपना वेट बहुत कम किया और बाल उसके बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। पूरा विवरण नीरज के पापा उन्होंने हमें बताया, बाल बहुत बड़े हुआ करते थे, ओलंपिक जाने से पहले उसने अपने बाल भी कटवाए। हालांकि उनकी माता जी से हमारी बात नहीं हो पाई, ऑफ कैमरा नीरज के पिता ने बिल्कुल बताया कि वो घर में जो मंदिर है उसके सामने बैठी हुई है, किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब जब गेल पूरा खत्म हो उसके बाद हम उनसे बात करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो पूरे परिवार में, पूरे गाँव में और आसपास के गाँव में एक तरीके से जश्न का माहौल है और लोग नीरज के घर में आना शुरू हो गए हैं। हालांकि ज्यादा भीड़ बढ़ रही है जिसको देखते हुए अब हरियाणा पुलिस भी यहाँ पर डिप्लॉय की जा रही है और लोगों से कोविड नियमों का पालन करने को भी बोला जा रहा है। लेकिन खुशी के आगे तमाम उस नियम को भी हम देखा किया जा रहा है, क्योंकि एक इतिहास है, इतिहास रचा और इस गाँव ने इतिहास रखा। वो ऐसा गाँव जो की पानीपत से तकरीबन 19 किलोमीटर आगे है, गाँव में संघर्ष है, वो प्रैक्टिस करने 19 किलोमीटर अप डाउन करते हैं। मजा आ गया आपकी बातें सुनकर, वाकई में जश्न का जो माहौल है आप हमारे स्टूडियो में और पूरे देश में भेजे ने जो जश्न का ये यहाँ पर माहौल है ना, इस गांव में पूरे देश में ही ऐसा माहौल है लगभग। तो क्या ये पूरा गांव जा रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आएगा वहां पर स्वागत करने के लिए, ऐसा लग रहा है मुझे पूरा गांव जा रहा है क्या वहां पर? जब वो बिल्कुल राजगुरु कीजिए, अभिनव बिंद्रा का जब स्वागत किया गया था तो ठीक इसी अंदाज में था, एयरपोर्ट से लेकर उन्हें ठीक इसी तरीके से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लाया गया। तो जतिन जो अभी कह रहे हैं पूरा गाँव, भाई आज तो अगर मौका मिले तो पूरा प्रदेश पहुंच जाए वहां। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।